यूपी के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। चर्चा है कि राजा भैया अपने राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में इसका आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। राजा भैया पहली बार साल 1993 में निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद से ही उनके किसी न किसी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन इसके बाद भी वे कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। बाहुबली विधायक राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह का कहना है, राजा भैया के 25 साल से लगातार निर्दलीय विधायक बने रहने पर 30 नवंबर को लखनऊ में एक समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जनता की इच्छा पर वे कार्यक्रम में अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। खबरें हैं कि पार्टी बनाने के लिए रविवार से ही वे अपने समर्थकों के साथ चर्चा में जुटे हुए हैं। मीडिया से बातचीत में राजा भैया ने कहा कि सही समय का इंतजार कीजिए। राजा भैया 2019 के लोकसभा चुनावों में दलितों के खिलाफ सवर्ण को लामबंद करने में जुट गए हैं। वे नवरात्र में अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से हुए मतभेद के बाद से ही वे नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से रिश्ते खराब होने के बाद राजा भैया का यह बड़ा सियासी दाव है। राजा भैया भाजपा और समाजवादी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन योगी कैबिनेट में उनकी एंट्री नहीं हो सकी। बता दें, राजा भैया लगातार 8वीं बार विधायक हैं। 1993 से वह कुंडा से निर्दलीय जीतते आ रहे हैं। 2002 में मायावती सरकार में विधायक पूरन सिंह बुंदेला को धमकी देने के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। बाद में मायावती ने उन पर कोटा लगा दिया। करीब 18 महीने वो जेल में रहे। 2003 में मुलायम सिंह ने सीएम बनने के बाद राजा भैया के ऊपर से कोटा हटा लिया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तब से वह लगातार सपा के साथ बने हुए थे। अब राजा भैया अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हैं या क्या बड़ा फैसला लेते हैं? इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।